सारी चीजें वो लिख दी है जो बोर्ड पे आने वाली है आपके एग्जाम में। हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है आपके केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। देखो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का पार्ट काफी बड़ा लगता है और सब बच्चे इससे पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। देखो यार, बहुत इजी तरीके से इस वीडियो में मैं काफी चीजें कवर कर दूंगा। एक घंटे में ऑर्गेनिक कैसे तैयार होती है आप इस वीडियो में सीख जाओगे। बात को बिल्कुल अच्छे से समझना। अगर ये सिर्फ वीडियो भी देखोगे ना पूरी लास्ट तक अच्छे से और कॉपी पेन लेके बैठोगे तो कम से कम 5-8 नंबर तो इस वीडियो को देखकर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो प्लीज़ समझिएगा एक एक बात को। मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी है इसमें, एक दो चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें वो लिख दी है जो बोर्ड पर आने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो एक एक बात को समझना। देखो, मार्किंग इसकी आपको पता ही है, 8 नंबर 5 नंबर 3 नंबर इसके, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं यार, जो लास्ट वीडियोस थे मेरे दो, फिजिकल और ऑर्गेनिक के, जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, इन दोनों में काफ़ी बच्चों का एक सिंपल डाउट था कि सर, जो आपने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन टिक लगाए हैं या फिजिकल में जो क्वेश्चन टिक लगाए हैं NCERT, वो हमें मिलते नहीं हैं। तो सब लोग यार वीडियो के बिल्कुल लास्ट में जाया करो, लास्ट 30 सेकंड पर, मतलब पूरी वीडियो ख़त्म करोगे ना तो एंड के 30 सेकंड में वो सब आपको दिखेंगे टिक वाले क्वेश्चन। तो इतना कन्फ्यूज़न मत हो, अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से उन दोनों वीडियोस पर बिल्कुल लास्ट में जाना, फिजिकल और ऑर्गेनिक में, और वो क्वेश्चन पक्का आएंगे 100%। तो यार देखो, अब इनऑर्गेनिक पर बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में तीन चीज़ें हैं, P-ब्लॉक, DF और मेटलर्जी। इन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इन पर काम किया गया है। देखो, दो तीन तरह के बच्चे होंगे। पहले बच्चे जिन लोगों ने इनऑर्गेनिक को हाथ भी नहीं लगाया होगा डर के मारे, तो उन लोगों के लिए बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज़, मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा यहीं पर, तो वो सारी चीज़ें याद कर लेना। दूसरी चीज़, टाइम बिल्कुल कम हो तो मैंने एक दूसरी तरीके के नोट्स बना रखे हैं जो अभी आपको दिख रहे होंगे। टाइम अगर ज़्यादा हो तो फिर इनको भी करना, और प्लस NCERT के जो क्वेश्चन अब दिख रहे होंगे टिक वाले, इनको करना। समझ गए ना? बिल्कुल टाइम कम हो तो सिर्फ ये वाले कर लेना, सिर्फ 2-3 पेज में हो जाएगी इनऑर्गेनिक। टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है फिर इन दोनों चीज़ों को कर लेना। ओके, अब बात आती है कि इनऑर्गेनिक में क्या चीज़ें कन्फर्म आती हैं। तो देखो यार, इनऑर्गेनिक में P-ब्लॉक का 8 मार्क्स का टॉपिक होता है और इसमें एक स्ट्रक्चर तो पक्का आएगा ही, 2 या 3 मार्क्स के स्ट्रक्चर कन्फर्म आने वाले हैं, और स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा नहीं है। देखो, HClO3 वाले स्ट्रक्चर, N2O5 वाले स्ट्रक्चर, H3PO4 वाले, H2SO4 वाले और XeO2F2। देखो, 5 ये हैं और सबके 2-2, 3-3 तरह के हैं, जिसमें से यार कुछ करो मत करो, ये 2-3 तरह के तो जरूर कर लेना। समझ गए? N2O5 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें भी देखो, XeO2F2 और इसके बता दे रहा हूँ XeF6, और ये बहुत इजी होते हैं XeF6 वगैरह के। तो ये आपको NCERT में मैंने इन पे भी टिक लगा दिए हैं कि कौन से स्ट्रक्चर है, पूरी वीडियो देखना बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से 1-2-3 मार्क्स के क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं कि रीज़न बताओ, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये देखो बता रहा हूँ मैं, NS3, PS3, ASS3, SBS3 और BIS3, ये ग्रेटर देन का मतलब है ये बेसिक प्रॉपर्टी पूछता है, बेसिडिटी। क्या पूछता है? बेसिडिटी। तो बेसिडिटी इस ऑर्डर में होती है, और इसका रीज़न क्या होता है कि अगर इसका रीज़न पूछता है तो बोल देना N छोटा होता है इससे, P से और A से, समझ गए, इसलिए इनकी बेसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर ऐसे वाले, देखो सब चीज़ यहीं के यहीं बता दे रहा हूँ मैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ये ज़्यादा काम में आते हैं इस वाले में, समझ गए, इसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है NS3 के इसमें। अब देखो, एक चीज़ यहाँ से भी पूछी जाती है, H2O2 H2E TE, O से TE कुछ इस तरीके से होता है, O से TE आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है, दोनों चीज़ें क्या होती है, इंक्रीज, भूल मत जाना। HI HBR HCl HF, क्वेश्चन काफ़ी देखा होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, तो इस ऑर्डर में होती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि I बहुत बड़ा होता है तो H हाल निकल जाता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज, समझ गए, किसका, I का, BR से, CL से और F से, कन्फर्म। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस में इनके स्ट्रक्चर देखने हैं। दूसरी चीज़, जो मेन चीज़ आती है, इनके डिफरेंस ज़रूर देखने हैं आपको। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 सबसे ज़्यादा पैदा होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इस प्रिपरेशन को देख लोगे, प्रोसेस को 2 या 3 मिनट की पूरी हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर, रिएक्शन कौन कौन से आते हैं, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं हमें रिएक्शन। तो रिएक्शन देखो, फॉस्फीन PS3 के NCERT में जो टिके वो पढ़ रहे हैं, H2SO4 के, कि H2SO4 रिएक्ट जब किसी से करता है तो क्या बनाता है, 3 से 4 रिएक्शन इसके। NaOH के देखो, रिएक्शन इस तरीके के हैं कुछ, जैसे NaOH को Cl2 में मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, 2 क्वेश्चन मार्क ये अभी फिल करोगे आप ढूंढ डाल के, क्योंकि ऐसा अगर बोर्ड में आ गया तो आपको मज़ा ही आ जाएगा।
क्लोरीन के भी रिएक्शन है, Cl2 जब आप दो तीन चीज़ों से मिलाओगे तो क्या होगा, ये सब NCERT में मैंने उन पर रिएक्शंस पर भी मार्क कर रखे हैं सारे, देखना। ये दो तीन तरह के रिएक्शन भाई कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी है अभी मैं इस पर आऊँगा, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर आते हैं। पहले I2Cl2 रिएक्ट करता है तो 2ICl बनता है, Br2 3F2 करता है तो 2BrF3 बनता है, ऐसे ही देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना यार, Br को ये तीन टाइम है ना, तीन टाइम जोड़ देना, अगर ये 5 होता तो ये BrF5 बन जाता, ये भी मार्क है उन्हें भी देखना है, ठीक है। अब आते हैं इस चीज़ पर, यहाँ से क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% आएगा क्वेश्चन। ये क्या होता है देखो, पहले दो समझा देता हूँ, बिल्कुल यही की यही खत्म है ये तो टॉपिक। एक्स ही होता है जेनॉन, जेनॉन F2 से रिएक्ट करता है तो डायरेक्ट ऐड कर दो XeF2, समझ गए। अगर वहाँ आता है कि जेनॉन, अब इसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है, इन दोनों को बाद में देखेंगे। एक्स ही 2F2 से रिएक्ट करता है, F2 से रिएक्ट करा तो F2 हो गया, 2F2 से रिएक्ट करा तो F कितने हो गए, 4 हो गए ना, तो इस बार डायरेक्ट F कितना हो जाएगा, XeF4। अगर 3F2 होता है तो XeF6, समझ गए। अगर 3F2 होता है तो क्या होता है, XeF6। उसके बाद ये दो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, XeF6 की रिएक्शन जब H2O से और एक्सेस ऑफ H2O से, H2O और एक्सेस ऑफ H2O जो मैंने टिक करे हैं उन्हें देखना है आपको, ठीक है। XeOF4, यहाँ 4F लगेंगे और 1O, क्योंकि 6 करने हैं हमें, O की 2 होती है वैलेंसी -2 और F की होती है -1, तो -1 × 4 कितना हो गया, -4 और -2 -6, समझ गए ना। अब यहाँ पर ये अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, क्यों, -2 × -2 -2 × 2 -4 और -2 -6, समझ गए, आई बात समझ में। तो इन दो रिएक्शंस को अभी के अभी लिख लो, दो तीन बार कर लो, ख़त्म यहीं के यहीं काम। अब आते हैं तो यहाँ पर यही सब आएगा, और एक क्वेश्चन यार ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आने वाला होता है कि MN जो होता है मैंगनीज, इसकी दो ऑक्सीडेशन, दो नहीं इसकी ढेर सारी ऑक्सीडेशन होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये MN+7। तो इसके दो तीन कंपाउंड है और उसमें ऑक्सीडेशन निकालना कैसा होता है ये सीख लेना, निकालना बहुत ईजी है। यहाँ पर MN को आप X मानना है, ये कितना है 2 है, और O की -2 होती है तो -2 × 7 -14 0 X=7 आ गया, ये इसकी ऑक्सीडेशन है। यहाँ क्या है, X मानेंगे इसको -2 × X=2 आ गया, दो तीन तरह की चीज़ें देख लेना। तो यहाँ से P ब्लॉक बिल्कुल कन्फर्म है, कहीं नहीं जाएगा, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो तो ये ज़रूर देख लेना कि XeF6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ सब FF लगे रहते हैं, समझ गए या नहीं, पिन को तो प्लीज़ देख लेना। मेरे मार्क्स 94 आए थे, आपको मैंने दिखाई दिया पिछले वीडियोस में, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता था नहीं था, लेकिन मुझे XE वाले सारे याद थे, इन्हीं पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड था मैं, ठीक है। डी ब्लॉक में क्या आता है, डी ब्लॉक में एक क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं हमारे डी ब्लॉक में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, क्यों होती है, इसका आंसर हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कभी भी हो, किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी साल में हो, जरूर पूछेगा, तो ये जरूर इसका आंसर अभी ढूंढो, मैं बताऊंगा भूल जाओगे, अभी के अभी ढूंढो कि क्यों है ऐसा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन और इसके डिफरेंस, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्यों होती है, इसके डिफरेंस क्या है, अभी के अभी देख लो, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी एक दो है बहुत छोटी छोटी सी, खत्म करो जल्दी। और यार यहाँ के जो रिएक्शन है इसको चाहो तो भले बाद में देख लेना, थोड़े से टफ होते हैं, इसको सबसे लास्ट में देखना, रिएक्शन ऑफ K2Cr2 और KMnO4, तीन चार रिएक्शन है ये भी मार्क कर रखी है, इन पर ध्यान देना अच्छे से, लेकिन लास्ट में, समझ गए ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो कन्फर्म है भाई, Ti3+ V3+ ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट आपके, Cu2+, इन सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, याद करा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, याद है ना। तो इसी में से वो आपको बस मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, 5 मिनट अपने दोस्त से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, 5 मिनट में समझा देगा कि कैसे काम करना है। डी वाला जो होता है ना अपना, जिसमें क्या होते हैं 5 होते हैं ऑर्बिटल, तो 2-2 बनते हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ये पूरा भरा पड़ा है, ये देखो ये पूरा भरा है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हो गए, तो इसको देख लेना। और इसका एक फॉर्मूला और होगा यार, यहीं के ही बता ही दूं आपको, Nn+2, ये होता है BM मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का, तो इस फॉर्मूले में N की वैल्यू जो होती है 2 हो जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, इसे ज़रूर देखना। तो इतने से यार आपके कब बता रहा हूँ, 8 और 5 13 में से 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई थी XeF6 वाली और ये सब जो I और Cl2 वाली रिएक्शन, इतना अगर समझ लेते हो तो बता रहा हूँ कम से कम 5-6 मार्क्स तो सिर्फ वीडियो को देखने से भी ख़त्म हो जाएंगे। अब बात आती है देखो, एक यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं स्ट्रक्चर्स में, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ स्ट्रक्चर में, काफ़ी सिंपल सी ट्रिक है,
कि जैसे जो H3PO4 है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है बेसिडिटी का, ये क्वेश्चन एसिडिटी या बेसिडिटी पूछता है। तो एसिडिटी बेसिडिटी का मतलब क्या होता है, जितने एच होंगे ना, ऐसे सिंपल अगर नहीं भी समझ पा रहे हो किसी किताब से या दोस्तों से, तो अगर एच जितने भी एच बॉन्डेड होंगे, जैसे H2SO4 में 1, 2, 3 तरफ एच है, तो उसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। अगर 3 OH लगे हैं तो कितनी हो जाएगी एसिडिटी, तो फिर वो बेसिडिटी 3 OH जितने होंगे उतनी बेसिडिटी, जितने एच होंगे उतने एसिडिटी। समझ गए या नहीं, इतना तैयार करना। अब मेटलर्जी देखो, मेटलर्जी के लिए खास मैंने ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं अभी, इसमें मेटलर्जी में सिर्फ एक पेज के नोट्स हैं, एक पेज में सब खत्म हो जाएगा। टाइम फिर भी आपके पास कम है तो क्या करना है, जिन पर मैंने टिक लगा रखा है, फ्रोज फ्लोटेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिनेटिंग रोस्टिंग, और ये क्या है, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, और ये डबल है, ये दो है इसके अंदर, फेज वेफर और ये वाली वेपर फेज वाली रिफाइनिंग, इसमें दो होते हैं, कौन से, मोंट्स प्रोसेस और वेरनेकल। इसकी इक्वेशन याद करना, क्योंकि इसकी इक्वेशन काफ़ी और पूछी गई है, और इन वैसे भी मैं और बता दूं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो इतना सब कवर करना यार, बेस्ट ऑफ लक, और जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, नीचे कमेंट में बताना, किसी चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन चाहिए वो कमेंट में बताना, पुराने वीडियोस जरूर देख लेना, वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, बिल्कुल लास्ट तक, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और उन बच्चों को समझ आ गया होगा कि पुरानी वीडियोस में कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं जो स्टार्ट करूँगा वो आपके टॉपिक्स स्टार्ट करूँगा, देख लेना। टॉपर्स बच्चे हैं जिनके 9500 लाने हैं, वो इन सारी चीज़ों में देख लो, क्या कोई चीज़ छूटी तो नहीं हुई है, अगर कुछ छूटा हुआ है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।